अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? एक्सरसाइज हम लोग करने लगे हैं 10.1, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर इन अ गिवन सर्कल मस्ट बी पैरेलल। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और ओ से एक जो है वो डायमीटर ड्रॉ हो रहा है। डायमीटर कौन सा है? पी क्यू। अब पी क्यू पर ना दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पॉइंट पी और क्यू पर, यानी पॉइंट पी में से एक टेंजेंट गुजारा गया है एल, पॉइंट क्यू में से एक टेंजेंट गुजारा है एम। तो प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं जो डायमीटर के एंड पॉइंट में से ड्रॉ हो रही हैं, ये क्या है? पैरेलल है। इनको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। अब देखें, गिवन है लेट एल एंड एम बी टू टेंजेंट। एल और एम हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं एड टू द सर्कल एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर पी क्यू। पी क्यू एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट पर हमने पी क्यू पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए एल और एम। प्रूफ हमने करना है कि एल पैरेलल एम के है, एल जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एम के। तो प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन के साथ इनको। देखें, पहले हमने स्टेटमेंट ली ओ पी परपेंडिकुलर एल। अगर आप गौर करें डायग्राम पर, दोबारा हम इसे नीचा करते हैं थोड़ा सा, कि ओ पी जो है ना हमारे पास रेडियस है ओ पी, और ये जो है परपेंडिकुलर है किसका? एल के ऊपर। रीजन इसकी क्या है? अ टेंजेंट एट एनी एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। ये बात हमने पीछे भी बहुत दफ़ा प्रूव की है वीडियोस में कि हर रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस हमारे पास ओ पी है, लिहाजा ये परपेंडिकुलर है एल पर। सेम इसी तरह ओ क्यू परपेंडिकुलर एम, ओ क्यू भी हमारे पास रेडियस है और एम क्या है? टेंजेंट है, लिहाजा ओ क्यू परपेंडिकुलर है एम के। तो इस तरह हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर है, देखें तो हमारे पास टू एंगल्स बन रहे हैं एक्स एंड वाई। तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? 90 डिग्री के राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि मेजर एंगल एक्स इज इक्वल टू 90, मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है। देखें, अब दोनों एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। यहाँ 90-90 के, इसका मतलब है मेजर एंगल एक्स इक्वल आएगा मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू 90। दोनों एंगल्स 90 के हैं, बट मेजर एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट एंगल्स। ये एक लाइन के अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। अब क्योंकि दोनों 90 के एंगल हैं, परपेंडिकुलर हैं, पी क्यू पर हैं वाकिया, इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि L जो है वो परपेंडिकुलर है M के। L जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, L जो है वो पैरेलल है M के, क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान ही राइट एंगल्स बनते हैं। तो ये दोनों क्या है? राइट एंगल है। स्ट्रेट लाइन में जाएंगे ये दोनों लाइंस कहीं जाकर किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, क्योंकि 90 के एंगल्स हैं दोनों के, तो स्ट्रेट लाइंस ही हैं। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। के दो सर्कल है हमारे पास जिनका सेंटर सेम है, और इनके डायमीटर क्या है? 10 एंड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर आएगा और छोटे का रेडियस 2.5 आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो। रेस्पेक्टिवली लुक फॉर द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड। हमने कॉर्ड की लेंथ ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर वन, क्या करना है? लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो टच कर रही है इनर वन को, इनर वन को। देखें डायग्राम, देखें ए बी हमारे पास क्या है? एक कॉर्ड है। कॉर्ड किस लिए है? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रही। अब ये क्या कर रही है? टच कर रही है किसको? इनर सर्कल को, एक पॉइंट सी पर। अब हिंट हमें दे दिया गया है कि ए बी जो कॉर्ड है ना वो किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है, और वैल्यूज पुट करके आंसर उसका क्या निकाला हुआ है? 8.87। और इसकी हाफ जो है वो साइड वो x है, कॉर्ड की हाफ साइड क्या है? x है। अब हमारे पास देखें हमने क्या किया, O को B के साथ मिला दिया, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गई ओ सी बी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सी साइड है? ओ बी। लिहाजा हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? ओ सी। ओ सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। तो बी सी स्क्वायर। अब देखें हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है, हाफ साइड निकालनी है कॉर्ड की। लिहाजा हम बी सी को इधर ही रहने देते हैं, तो ओ सी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। लिहाजा मैंने अरेंज कर लिया है
सी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ सी स्क्वेयर। अब हमारे पास ओ बी क्या है, रेडियस है किसका, आउटर सर्कल का, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। और ओ सी क्या है, रेडियस है किसका, इनर सर्कल का, वो कितना है 2.5 है। तो दोनों की वैल्यूज पुट की, 5 स्क्वेयर माइनस 2.5 स्क्वेयर, तो 5 स्क्वेयर का क्या आ गया 25, माइनस 2.5 इसके इक्वल आ गया 6.25 के। अब देखें 25 में से 6.25 माइनस हो गया तो सी बी स्क्वेयर इसका टू आ जाएगा 18.75 के। स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे हमने स्क्वेयर रूट लेना है, तो यहाँ पर देखें इसी तरह हमने ए बी भी फाइंड करना है। ए बी जो है वो फुल साइड है, वो 2x के इक्वल है। इसका मतलब है कि एक साइड तो हमारे पास बी सी आ गई, बी सी का डबल जो है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो बी सी का जो डबल है वो क्या है, ए बी है। तो ए बी बराबर आ गया 2x के, तो बी सी का, बी सी एक्स है तो बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी सी क्या है अंडर रूट 18.75, 2 के साथ मल्टीप्लाई लिया, अंडर रूट लिया तो 8.7। और हिंट में हमें पहले भी दिया हुआ था कि ए बी 2x है और वो कितना आ रहा है 8.7 आ रहा है सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी क्वेश्चन 3 हमारे पास है, ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट ड्रॉ टू द पेयर ऑफ अ सर्कल। देखें ये हमारे पास पेयर ऑफ सर्कल हैं, दो सर्कल हैं और इनके दो ए बी नहीं एल और एम जो है ना ये कॉमन टेंजेंट है, ए बी और सी डी ये क्या है इनके कॉमन टेंजेंट है, दोनों के टेंजेंट्स हैं। इफ़ ए एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, अगर ए और सी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो फर्स्ट सर्कल के और B और D पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है किसके सेकेंड सर्कल के, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी पर पैरेलल है किसके बी डी के। अब देखें गौर करें डायग्राम पर आ जाए, हमारे पास दो सर्कल हैं उनमें से कॉमन टेंजेंट पास कर रहे हैं, ठीक है L और M दोनों के कॉमन टेंजेंट है। अब वो कह रहा है कि A और C, C1 जो हमारे पास पहला सर्कल है उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहाँ पर उसे टेंजेंट जो है वो कट कर रहा है या पास कर रहा है, और बी और डी जो है वो क्या है सेकेंड सर्कल सी टू के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो प्रूफ हमने ये करना है कि ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के। तो गिवन देखते हैं हमारे पास गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखें गिवन हमारे पास है कि टू सर्कल्स सी वन एंड सी टू, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सी वन इज ए एंड सी एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सी टू इज बी एंड डी। वही बात जो अभी मैंने बताई है कि सी वन हमारे पास एक सर्कल है, दोनों में से टेंजेंट कॉमन पास कर रहे हैं, तो ए और सी सी वन के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और बी और डी सी टू के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। प्रूफ हमने ये करना है कि ए सी पैरेलल है बी सी, यानी ए सी और बी सी दोनों पॉइंट्स को मिला दिया ये क्या है पैरेलल है। तो स्टेटमेंटली और रीजंस प्रूफ करने के लिए देखें सर्कल सी वन में एल जो है वो पैरेलल है एम के, ये हमने पहले भी प्रूफ की है, पीछे भी हमने थ्योरम में किया है एक में। तो मैयर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 है, सी ए बी ये एंगल ए पर कौन सा है 90 डिग्री है। रीज़न क्या है, वही रीज़न है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है फर्स्ट में, कि ओ सी जो है वो रेडियस है और ए बी जो है वो क्या है टेंजेंट है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मीन 90 का एंगल बनाएगा, लिहाजा सी ए बी इक्वल है 90 डिग्री के। रीजन लिखें कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ए सी, क्योंकि टेंजेंट जो है वो ए सी डायमीटर पर परपेंडिकुलर है। सेम इसी तरह सर्कल टू में हम एल लिखेंगे पैरेलल है एम के, दोनों जो टेंजेंट्स हैं पैरेलल है प्रूफ है। इसी तरह उसमें भी एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल जो है ए बी डी, देखें जिस तरह सी ए बी 90 डिग्री था इसी तरह ए बी डी भी 90 डिग्री है। रीज़न उसकी भी यही है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बी डी पर। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 हमने पॉइंट के नेम दे दिए, तो दोनों 90-90 के इक्वल हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, लिहाजा मैयर एंगल सी ए बी इक्वल है मैयर एंगल ए बी डी के। सेम इसी तरह अगर सी ए बी इक्वल है बी ए बी डी के, तो बाद दूसरे जो एंगल दो बन रहे हैं इधर देखें सी ए बी इक्वल है ए बी डी के, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे मैयर एंगल ए सी डी इक्वल है मैयर एंगल बी डी सी के या ए बी डी के। तो हम लोगों ने ये राइट कर लिया ए सी डी इक्वल है बी डी सी के इक्वेशन 1 एंड 2 पॉइंट्स के हवाले से।
अब अगर ये सारे चारों एंगल्स इस तरह बराबर है 90 डिग्री का है, इसका मतलब है ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल बन रही है, क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसी साइड होती है जिसके क्या होते हैं चारों कॉर्नर्स पे एंगल कौन सा बन रहा होता है 90 डिग्री का। तो ए बी सी और डी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, लिहाजा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मीन जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, बी डी के। रीजन क्या है, पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल सॉरी नहीं है ये क्या है, पैरेलल साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की ही साइड जो है वो आमने सामने वाली पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।